मैं चला ऑफिस, नहीं तो मुझे काफी देर हो जाएगी। कार्तिक खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। पापा, शाम को मार्केट से पनीर लेते आइएगा। चलो ठीक है हर्ष, पहले खाना खा लो। आलू दम तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब मैं हर्ष के लिए खाना रख देती हूँ। हर्ष, कितनी पूरियाँ रख दूँ? मम्मी, मुझे एक पूरी रख दीजिए, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। और हाँ, खीर भी थोड़े ही रखिएगा। ठीक है हर्ष, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कम खाना लेकर आ रही हूँ। ये लो हर्ष, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खाना लेकर आ गई। अब लो जल्दी से खा लो। थैंक यू मम्मी, आप हमेशा मेरी बात मान लेती हो। इधर सभी खाना खा ही रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ से एक औरत आ जाती है। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, क्या करूँ, मेरा घर भी उजर गया और मैं इधर उधर भटक रही हूँ। ये औरत घूमते घूमते गीता के घर पर आ जाती है। अरे वाह, यहाँ पर सभी खीर पूरिया और आलू दम खा रहे हैं, और एक मैं हूँ जो 2 दिनों से भूख के मारे तड़प रही हूँ। मैं इन्हीं लोगों से मांगती हूँ, शायद ये लोग मुझे खाने के लिए दे देंगे। अरे तुम कौन हो और मेरे पीछे खड़ी होकर क्यों बरबरा रही हो? मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या आप मुझे खीर खाने के लिए दे सकती हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी, प्लीज मुझे दे दीजिए। अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है और तुम्हें खाने के लिए खीर दे दूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़े ही खाने के लिए दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे सुना नहीं तुमने, यहाँ से चली जाओ, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ, इस तरह से मत चिल्लाओ। और ये औरत निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कितनी दुष्ट औरत थी, मैंने तो बस थोड़े ही खीर खाने के लिए मांगे थे, लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं, और वो औरत भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। पता नहीं कहाँ से आ गई थी, चलो अच्छा हुआ मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। अब मैं जाकर खाना खाती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलो बच्चों, तुम लोग यहीं पर बैठो, अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। गीता और मीना को ये सारी बातें पता नहीं होती है कि उसके घर से कोई भूखा लौट गया है। अरे वाह, मेरी फेवरेट खीर, आज तो मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी। हाँ गीता, इधर आओ सुलेखा, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ गीता, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा खीर खाऊंगी। अरे वाह, इतने सारे खीर, अब मैं जल्दी जल्दी खाना शुरू करती हूँ। सुलेखा बड़े आराम से खीर खा रही होती है। गोल्डी दीदी, ये डॉल तो बिल्कुल आपकी तरह लग रही है। हर्ष ध्यान से देखो, उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है। क्या, मेरी आंखें इतनी डरावनी है? हाँ हर्ष भैया, गोल्डी दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे ही लगती है। बस कर मारा, अब कितना मजाक उड़ाएगी मेरा। चलो आज तो मैंने मन भर खीर खाए है, मेरा मन खुश हो गया। अरे आप दोनों अभी तक खा रहे हैं, चलिए ना कल पर हाथ धोते हैं। सभी लोग खाना खाकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ से एक चुड़ैल आ जाती है। सुलेखा, मुझे खीर दो, मुझे खीर खाना है, जल्दी दो सुलेखा, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अरे ये किसकी आवाज थी, ये तो बहुत ही डरावनी आवाज थी। सुलेखा, मैं यहाँ हूँ सुलेखा, मुझे खीर खाने के लिए दो। अरे आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दी? ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई हम लोगों को बुला रहा है। अरे नहीं मायरा, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तुमने कैसे सुन लिया? चलो सुलेखा कल पर चलकर हाथ धो लेते हैं। आओ गीता। हाँ चलिए मीना आंटी, चलते हैं। अरे गीता क्या सुन रही हो, चलो ना कल पर। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है गीता, चलो चलते हैं कल पर। पता नहीं गीता को कैसी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही।
अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी की आवाज़ सुनी है, लेकिन ये लोग तो मेरी बातों का भरोसा ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। अच्छा मैं भी जाकर हाथ धो लेती हूँ। सभी लोग कल पर हाथ धोने जा रही है, वो चुड़ैल किसी को भी दिखाई नहीं देती है। बच्चों तुम लोग यहाँ से कहीं मत जाना, मैंने बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनी थी, पता नहीं वो किसकी थी। अच्छा पहले कल पर जाती हूँ। सुलेखा कल पर से हाथ धोकर आ रही होती है, तभी सुलेखा को चुड़ैल नजर आती है। ओह तुम कौन हो? सुलेखा तुम मुझे खीर खाने के लिए दो ना, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुमने तो मुझे यहाँ से भगा दिया था, लेकिन देखो मैं फिर आ गई। सुलेखा क्या सोच रही हो, मुझे खाने के लिए खीर नहीं दोगी क्या? अरे ये कैसे यहाँ पर आ गई, ये तो यहाँ से चली गई थी। अरे अब मैं क्या करूँ, लगता है ये मेरे पीछे पड़ गई है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ और छुप जाऊंगी, ये मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। सुलेखा वहाँ से भागने लगती है। अरे रुक जाओ सुलेखा, भागकर कहाँ जाओगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे खीर खाने के लिए नहीं दोगी। ये चुड़ैल सुलेखा का पीछा करने लगती है। अरे बच्चों तुम लोग जल्दी से घर में जाकर छुप जाओ, यहाँ पर बहुत खतरनाक चुड़ैल आ गई है, चलो जल्दी। मुझे बचाओ कोई, वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, मैं क्या करूँ। अरे मम्मी ये आप क्या कह रही है? अरे बच्चों सुलेखा कहाँ गई, वो दिखाई नहीं दे रही है। अरे बचाओ ये कौन है? इधर से मीना और गीता भी आ जाती है। सुलेखा चलो हम लोग घूमने चलते हैं पार्क में। अरे सुलेखा मुझे खीर चाहिए, जल्दी लाओ। ये चुड़ैल कुर्सी पर बैठ जाती है और खीर खाने के लिए मांगती है। मम्मी ये कौन है, ये तो बहुत ही डरावनी लग रही है, और सुलेखा सुलेखा क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता तुमने सुना नहीं, वो खीर खाने के लिए मांग रही है। चलो मैं तो बच गई, वो चुड़ैल तो मुझे देख ही नहीं पा रही है। सुलेखा तुम्हें क्या लगा, मैंने तुम्हें घर में जाते हुए नहीं देखा। जल्दी बाहर आओ सुलेखा और मुझे खीर खाने के लिए दो, वरना मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे ये मैं कहाँ फंस गई, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब मैं क्या करूँ। ये मुझसे खीर खाने के लिए मांग रही है, लगता है मुझे दे देना चाहिए, वरना ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अरे ये मेरी मम्मी के पीछे क्यों पड़ गई है, मैं अभी जाकर बात करती हूँ उससे। आप मेरी मम्मी के पीछे क्यों पड़ी है, मेरी मम्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है ये तुम अपनी मम्मी से पूछ, मुझसे क्या पूछ रही है। मम्मी ये सुलेखा के पीछे क्यों पड़ी है, लगता है दाल में कुछ काला है। हाँ गीता मैं अभी सुलेखा से पूछती हूँ, आखिर हुआ क्या है जो ये सिर्फ सुलेखा के पीछे ही पड़ी है। सुलेखा क्या हुआ था मुझे भी बताओ। सुलेखा सारी बातें गीता और मीना को बता देती है। तब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे सुलेखा तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, किसी भी भूखे को नहीं भगाना चाहिए था। भूखे को सबसे पहले खाना खिला देना चाहिए, ना कि उसे भगा देना चाहिए। हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो ठीक है तुम जाकर उसे खीर खाने के लिए दे दो, वो यहाँ से चली जाएगी। हाँ हाँ ठीक है गीता, मैं उसे खाने के लिए खीर दे देती हूँ। ये लो खीर खा लो। चुड़ैल खीर खाकर वहाँ से चली जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही।